दोस्तों क्रिकेट के बारे में तो मैं आपको बहुत चीज बताता हूँ, और आज भी मैं एक अननोन सी चीज़ें जो आप लोग जानना चाहते हैं और मैं भी बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कि आपको जानना है ये। जी हाँ, ऐसे ही कुछ सिचुएशन होता है एक अंपायरिंग कॉल के समय। जी हाँ, अंपायर जब कॉल लेते हैं, मान लीजिए आउट के समय अंपायर दिखा देते हैं कि वो आउट है, यानी उंगली सीधा करके ऊपर, भाई आउट, तुम आउट, ग्राउंड से आउट हो जाओ, बस हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो आउट का सिलसिला होता है ना, अंपायर के ऊपर डिपेंडेंसी हर वक्त नहीं रहता है और अंपायर भी हर वक्त आउट नहीं देते हैं। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि अंपायर आउट दे रहे हैं उसके बाद प्लेयर ग्राउंड छोड़ रहे हैं, कई बार अंपायर आउट नहीं दे रहे हैं फिर भी प्लेयर ग्राउंड छोड़ रहे हैं। जैसे कि बोल्ड आउट पे आउट नहीं दिया जाता है ज्यादातर समय में, कैच आउट में फिंगर ऊंचा ही करना होता है, LBW में भी सेम, रन आउट में भी सेम, रन आउट में जब थर्ड अंपायर के पास जाता है कॉल तब थर्ड अंपायर देते हैं, लेकिन बोल्ड आउट जो है उस समय अंपायर लोग ज्यादातर सिग्नल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते, इसके पीछे कारण क्या है, बताऊंगा आज आपको सब कुछ। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों क्रिकेट में बहुत सारा रूल होता है, MCC रूल, जो कि अंपायर्स को फॉलो करना होता है। अंपायर को कहा गया है, यानी अंपायर रूल्स में है, अगर किसी खिलाड़ी को कानूनन या फिर क्रिकेट की जो नियम है उसमें रह के मैदान के बाहर जाने के लिए कहना हो, मतलब आउट के बाद, तब अपने फिंगर को दिखाना ही होगा, तब वे जाएंगे। और अगर फिंगर नहीं दिखाते हैं तो कोई बैट्समैन अगर चाहे तो वहां पर स्ट्राइक कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है, जब कॉट होता है, कॉट बिहाइंड मान लीजिए नॉर्मल कैच होता है, तब अंपायर को कुछ चीज चेक करना होता है, जैसे कि नो बॉल अगर होता है तो बॉलर या फिर बैट्समैन दोनों कंफ्यूज हो जाता है कि नो बॉल हुआ है या फिर नहीं। नो बॉल नहीं होता है और उसके बाद अंपायर अगर सोचता है कि नो बॉल नहीं है और जो कैच हुआ है कैच ठीक ठाक से हुआ है, मतलब ग्राउंड पे टच हुआ या नहीं, बैट्समैन की बैट से या फिर आर्म तक कुछ लग कर गया या नहीं, मतलब पैड से तो नहीं गया है, ये सब सोचने के बाद, ये सब परखने के बाद अंपायर क्या करते हैं, आउट का डिसीजन देते हैं और उंगली दिखाते हैं। रन आउट के समय भी सेम चीज देखना होता है, अंपायर को किस तरीके से बैट अंदर गया है या नहीं, और अगर कोई भी शंका हो तो थर्ड अंपायर के पास चलाते हैं, उसके बाद डिसीजन अंपायर लेते हैं या फिर थर्ड अंपायर लेते हैं। स्टंपिंग के समय भी ऐसा होता है, मतलब अंपायर को डिसीजन लेना होता है, उसके बाद बैट्समैन को जाना ही होता है। लेकिन जब नॉर्मल सी बॉल होता है, मान लीजिए कोई नो बॉल नहीं होता है, उस समय वैलिड बॉल डालकर किसी बैट्समैन को बोल्ड आउट किया जाए, एकदम क्लीन बोल्ड दिख रहा है सबको, अंपायर को दिख रहा है, बॉलर को दिख रहा है, फील्डर को दिख रहा है, बैट्समैन को दिख रहा है, पूरे आवाम को दिख रहा है, सब लोगों को ही दिख रहा है क्लियर आउट है, तो तब बैट्समैन खुद ही मान लेते हैं कि हमें अभी बाहर जाना चाहिए क्योंकि मैं आउट हो चुका हूँ, तब वे खुद से ही बाहर चले जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो तब अंपायर आउट सिग्नल नहीं देते हैं, क्योंकि आउट सिग्नल इसलिए दिया जाता है कि उस सिग्नल के बाद बैट्समैन को रहने का अधिकार नहीं है फील्ड में, और बैट्समैन अगर खुद ही मान जाए तो चलो ठीक है, बॉलर भी खुश, बैट्समैन भी खुश और अंपायर भी खुश, उसे आउट का सिग्नल नहीं देना हो रहा है, तो ये है असल बात। तो दोस्तों आपको क्या ऐसा पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा दोस्तों, साथ में ये भी लिखे क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए, मुझे इंतजार करें दोस्तों आपके बड़े कमेंट का।